बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कंसेप्ट है, और नाम भी इसका बड़ा अजीब है, व्हीट स्टोन ब्रिज। व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम व्हीट स्टोन ब्रिज रख दिया गया। क्या है ये, है क्या ये? एन अरेंजमेंट ऑफ फाइव रजिस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ नहीं, चार रेजिस्टेंस है, अरेंजमेंट ऑफ फोर रजिस्टर्स इन द फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में आपने चार रजिस्टर्स लगा दिए। कैसे लगा दिए? चार रजिस्टर्स ये लगा दिए एक क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में, ए बी सी डी, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ फोर रजिस्टर इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, कहीं किसी बुक में इस क्वाड्रिलेटरल की जगह स्क्वायर भी लिखा है और किसी बुक में पैरेललोग्राम भी लिखा हुआ है बेसिकली क्वाड्रिलेटरल। पैरेललोग्राम या स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। चार रजिस्टर लगा दिए क्वाड्रिलेटरल की फॉर्म में, एक डायगोनल पर लगाया सोर्स ऑफ ईएमएफ, ये की स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, और ये आपका सोर्स, सोर्स ऑफ ईएमएफ विद सोर्स ऑफ ईएमएफ कनेक्टेड बिटवीन वन डायगनल एंड अ गैल्वेनोमीटर। कनेक्टेड अक्रॉस अदर डायगनल, एक डायनल पर आपने लगा दी सोर्स ऑफ ईएमएफ बैट ईएम की के साथ में, और दूसरे डायनल पर आपने लगा दिया एक गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर है, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले आपको ला के दिखाता हूँ गैल्वेनोमीटर क्या है। जो भी आपके घर में मीटर लगा हुआ है, चाहे वो एम्पियर मीटर करने वाला है या वोल्टेज मीटर करने वाला है, उसका जीरो स्टार्ट में होता है और फिर आगे को वो बढ़ता चला जाता है, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, और अगर वोल्ट मीटर है तो 100, 150 और 3, तो 200, 300 वोल्ट तक। लेकिन यहाँ इसका जीरो है बीचों बीच। ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें आप देखिए जीरो बीचों बीच बना हुआ है, ठीक है। करंट ही मेजर करता है ये, और यहाँ आपको 30 तक लिखा हुआ है, ये दोनों साइड 30 तक लिखा हुआ है, तो 30 माइक्रो एम्पियर तक है मैक्सिमम इसका। यहाँ नीचे देखिए लिखा हुआ 20 म्यू ए पर डिवीजन, इसे कहते हैं फिगर ऑफ मेरिट। 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन का मतलब यह है कि इस टर्मिनल के आपने सर्किट में जोड़ा, और अगर एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक करंट जा रही है 20 माइक्रो एम्पियर की, तो फिर ये जो निडिल है ये कितनी आगे बढ़ जाएगी, ये एक सेगमेंट आगे बढ़ जाएगी, एक डिवीजन आगे बढ़ जाएगी। एक डिवीजन आगे बढ़ गई तो मतलब 20 माइक्रो एम्पियर, दो डिवीजन आगे बढ़ गई तो 40 माइक्रो एम्पियर, इस तरह से चलता चला जाएगा, करेक्ट। और यहां तक शायद ये 30 मिली एम्पियर बैठेगा, जो भी है। अब इसमें जीरो जीरो बीचों बीच क्यों है, और निडिल नल जब इसमें कोई भी करंट पास नहीं हो रही है, आपने यहां कोई भी चीज नहीं जोड़ी हुई, तो
तो इसकी निडिल कहाँ है? सेंटर पर है, जीरो पर है बिल्कुल। ये दो काम करता है, करंट के साथ साथ करंट की डायरेक्शन भी बता देता है। अगर करंट आपके इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक चलेगी, एक तो ये मूर्तता है, हमारे देश में ऐसी मूर्तताएं होती हैं, प्लस और माइनस गैल्वेनोमीटर पर नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। मूर्ख हैं इसे बनाने वाले, क्योंकि उन्हें खुद तो यूज करना नहीं है इसे, और देश में मूर्तताएं खूब चलती हैं हमारे यहाँ। प्लस माइनस नहीं होता, होता ही नहीं है प्लस माइनस। गैल्वेनोमीटर पर कोई प्लस माइनस नहीं होता। और ये जो गैल्वेनोमीटर की ये लाल और काले बना रखे हैं, बेसिकली ब्लैक रिप्रेजेंट करता है निगेटिव को और ये पॉजिटिव को। तो ये रेड और ब्लैक भी नहीं बनाने चाहिए थे, कोई और ही कलर होता दोनों का। अगर करंट यहाँ से इधर फ्लो कर रही है, यानी कि ये वाला टर्मिनल, ब्लैक वाला टर्मिनल हाई वोल्टेज पर है और लोअर वोल्टेज पर है रेड वाला, तो फिर इस गैल्वेनोमीटर में जो करंट का फ्लो है, इंडी मोशन होगा, ऐसे होगा इस डायरेक्शन में। और अगर करंट आपकी यहाँ इधर से इधर चल रही है, रेड वाले से ब्लैक वाले की तरफ चल रही है, तो फिर इस गैल्वेनोमीटर में इस निडिल का डिफ्लेक्शन दूसरी साइड में आ जाएगा। मतलब इसके जीरो सेंटर पर होने से क्या फायदा हुआ कि ये करंट प्लस उसकी डायरेक्शन भी बता देता है। आपके घर में लगे हुए जितने भी मीटर हैं उसमें जीरो यहाँ स्टार्ट होता है, जीरो से फिर यहाँ आगे ऊपर बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि वहां आपको करंट की डायरेक्शन से नहीं मतलब, आपको तो केवल करंट मेजर करना है। ये गैल्वेनोमीटर सिंपल सा, ठीक है। अगर गैल्वेनोमीटर में करंट का फ्लो नहीं हो रहा, भले ये सर्किट में जुड़ा हुआ है, लेकिन इसमें अगर करंट का फ्लो नहीं हो रहा, तो फिर इसकी निडिल कहाँ रहेगी? इसकी निडिल रहेगी जीरो पर, जिसे हम बोलते हैं नल पोजीशन। क्या बोलते हैं? NULL, नल पोजीशन। भले ये सर्किट में लगा हुआ हो, लेकिन अगर कुछ कंडीशन ऐसी बन रही कि ना करंट इधर से इधर है ना करंट इधर से इधर है, तो फिर जीरो पर। लेकिन अगर ये आपकी निडिल जीरो पर नहीं है, चाहे लेफ्ट साइड में है राइट साइड में है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? करंट का फ्लो हो रहा है इस टर्मिनल्स के बीच में, भले ही वो लेफ्ट साइड में हो या राइट साइड में हो, ठीक है। तो ये गैल्वेनोमीटर आपने लगा दिया कहाँ? इस स्क्वायर के डायगनल पर, और एक डायगनल पर आपने लगा रखा है क्या? सोर्स ऑफ ऑल्टरनेट, सोर्स ऑफ EMF। सिंपल सी बात है, एक बैटरी एक सेल आपने यहाँ लगाया हुआ है, ठीक है। इन रेजिस्टर्स के स्पेशल नाम दिए जाते हैं, इन रेजिस्टर्स के स्पेशल नाम दिए जाते हैं P, Q। अक्सर हम या तो क्लॉकवाइज सीक्वेंस फॉलो करते हैं या एंटी क्लॉकवाइज सीक्वेंस फॉलो करते हैं, यहां अलग ही है। P, Q इसे लिखेंगे R और इसे लिखेंगे हम S, या इसे P, Q लिख दीजिए, इसे R, S लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई डिफरेंस नहीं आता, ठीक है। PQRS, तो क्या है ये? अरेंजमेंट ऑफ फोर रजिस्टर इन द फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, कहीं स्क्वायर या पैरेललोग्राम भी इसे लिखा है। कैसे? सोर्स ऑफ EMF इज कनेक्टेड बिटवीन वन डायगनल, एक डायगनल AC है, AC के बीच में कनेक्ट कर दिया आपने सोर्स ऑफ EMF सेल, एंड गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द अदर डायगनल, दूसरे डायगनल के बीच आपने क्या कनेक्ट कर दिया? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट भी बताएगा और डायरेक्शन ऑफ करंट भी बता देगा, ठीक है। अब इस व्हीटस्टोन ब्रिज की दो कंडीशंस होती हैं, दो कंडीशंस होती हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की। टू कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की पहली कंडीशन जिसे हम कहते हैं अनबैलेंस्ड कंडीशन, अनबैलेंस्ड कंडीशन। अनबैलेंस्ड कंडीशन तब होगी जब आपका यहाँ की लगाते ही आपको इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन दिखाई दे, चाहे वो राइट साइड डिफ्लेक्शन हो या लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन हो। अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है, कुछ भी डिफ्लेक्शन है, मतलब गैल्वेनोमीटर की जो निडिल है आपकी वो एग्जैक्टली सेंटर पर नहीं है, लेफ्ट में है या राइट में, कहीं भी है, किसी भी पॉइंट पर है, तब आप कहेंगे कि आपका व्हीटस्टोन ब्रिज कैसा है? अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड का मतलब देयर इज सम डिफ्लेक्शन
इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में कोई ना कोई डिफ्लेक्शन अगर है तो हम कहेंगे कि व्हीट स्टोन ब्रिज कैसा है, अनबैलेंस्ड है। मतलब क्या हुआ, डिफ्लेक्शन कब आएगा, या तो करंट बी से डी की तरफ होगा या करंट डी से बी की तरफ होगा। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, दैट इज देयर इज अ करंट फ्रॉम बी टू डी और डी टू बी, राइट। क्या कहा जाएगा, अनबैलेंस्ड। सेकेंड कंडीशन, इसमें मुझे थोड़ा सा और लिखना है तो मैं थोड़ा स्पेस छोड़ रहा हूं। सेकेंड कंडीशन क्या जा कहा जाता है, बैलेंस्ड। व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कब कहा जाएगा, तब कहा जाएगा व्हेन देयर इज नो करंट, नो डिफ्लेक्शन, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। मतलब क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ देयर इज नो करंट बिटवीन बी एंड डी, ना तो बी से डी की तरफ को है करंट और ना डी से बी की तरफ को, ना तो बी से डी की तरफ करंट है ना डी से बी की तरफ करंट है। तब हम कहेंगे जब करंट ही नहीं होगी तो इसमें डिफ्लेक्शन क्या आएगा, जीरो आएगा। क्यों, गैल्वेनोमीटर शो करता है, किसे शो करता है, करंट को शो करता है, करंट है ही नहीं ना बी से डी ना डी से बी, तो डिफ्लेक्शन कितना होगा, जीरो, भले ही सारे प्रॉपर कनेक्शन जुड़े हुए। अच्छा, कोई बता सकता है कि ऐसी कंडीशन कब बन सकती है कि यहाँ प्रॉपरली पी क्यू और गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, प्रॉपरली बढ़िया तरीके से आपने प्रॉपर कनेक्शन बनाए हुए हैं, यहाँ भी आर एस और ये सब जुड़ा हुआ है डी पॉइंट पर, लेकिन फिर भी गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं हो रहा, तो ऐसी कंडीशन कब आ सकती है, आती तो है खैर, कब आ सकती है, सर्किट के किसी भी दो करंट फ्लो करने के लिए जरूरी है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस एक प्रेशर डिफरेंस, जैसे किसी पाइप में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पानी को फ्लो करने के लिए चाहिए प्रेशर डिफरेंस, एक सिरे पर प्रेशर हाई हो दूसरे सिरे पर प्रेशर कम हो तभी फ्लो कर पाएगा, दोनों सिरों पर प्रेशर सेम है तो फ्लो नहीं कर पाएगा। ऐसे ही सर्किट में कहीं भी किसी भी कंपोनेंट में करंट फ्लो करने के लिए रिक्वायर्ड है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस रिक्वायर्ड है। अगर सर्किट में किसी कंपोनेंट के थ्रू करंट का फ्लो नहीं हो रहा तो इसका मतलब उस कंपोनेंट के दोनों सिरों पर प्रेशर डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने का मतलब दोनों एंड पर पोटेंशियल सेम है। आप जब कोई अप्लायंस घर में अपने चलाते हैं, कोई भी अप्लायंस हो एक्स वाई जेड, आपको प्लग में से दोनों ही तार लेने पड़ते हैं, जिसमें से एक को कहा जाता गर्म, एक को कहा जाता ठंडा। गर्म का मतलब वो हायर पोटेंशियल पर रहता है, और जो ठंडा वाला है न्यूट्रल वाला, वो जीरो पोटेंशियल पर रहता है। अगर एक ही में से दोनों तार निकाल लो आप, मैं तो गरम गरम वाले में से तार निकाल लूंगा, बढ़िया चलेगा पंखा, दोनों तरह चलेगा ही नहीं, क्योंकि तो करंट फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। पंखे के दोनों सिरों पर अगर 220 वोल्ट है तो चलेगा ही नहीं वो, एक साइड जीरो एक साइड 220 वोल्ट चाहिए तब चलेगा। बढ़िया तो कब चलेगा, जब एक साइड जीरो है एक एक टर्मिनल पर, एक एंड पर, दूसरे पर 240 260 वोल्टेज हो तब बहुत बढ़िया चलेगा। तो अगर किसी भी कंपोनेंट से, सर्किट के किसी कंपोनेंट से करंट का फ्लो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब उस कंपोनेंट के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, यानी उसके दोनों एंड सेम पोटेंशियल पर है, भले ही वो सेम पोटेंशियल जीरो हो, 10 वोल्ट हो, 50 वोल्ट हो, 100 वोल्ट हो, 1000 वोल्ट हो, मतलब नहीं, दोनों ही क्या है, सेम पोटेंशियल पर है। तो फिर अनबैलेंस्ड कंडीशन कब होगी, अनबैलेंस्ड कंडीशन में अभी हमने कहा कि इस गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट है, इसका मतलब क्या हुआ, बी एंड डी आर एट डिफरेंट पोटेंशियल्स, बी
दूसरे वर्ड्स में इसी को हम क्या कहेंगे, इसी को आप कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी इज जीरो। अगर ये 10 वोल्ट पर है तो ये भी 10 वोल्ट पर है, दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो। और बैलेंस कंडीशन कब आएगी, तब आएगी जब बी एंड डी आर एट सेम पोटेंशियल, सेम पोटेंशियल पर होंगे। दूसरे वर्ड्स में इसी को हम क्या कहेंगे, बोलिए, पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी इज जीरो। पोटेंशियल डिफरेंस बी और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, अच्छा 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 इज नॉट जीरो, क्या, अच्छा 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 बोलो, हाँ अनबैलेंस वाले में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी इज नॉट जीरो। बी और डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो नहीं है, कुछ भी है जीरो नहीं है, चाहे बी हायर पोटेंशियल पर, डी लोअर पोटेंशियल पर हो, या डी हायर पोटेंशियल पर या बी लोअर पोटेंशियल पर हो, कुछ भी कंडीशन है जीरो नहीं है। और बैलेंस कब कहा जाएगा, बैलेंस्ड कब है, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बिटवीन बी एंड डी इज जीरो, या पोटेंशियल ऑफ बी इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ डी। इतनी बात समझ आई।